हेलो गाइस, आप देख रहे ए टू जेड होम्स डिजाइन। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज है 14x40। फ्रंट इसका 14 फिट है, लंबाई इसकी 40 फिट है, जिसमें आपको कार पार्किंग के साथ में 3 बेडरूम हाउस प्लान कम्प्लीट देखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते हैं अपने 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पूरा प्लान मिलता है 14x40 में कंप्लीट है। आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है पूरी, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से न्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कार पार्किंग के लिए कुछ इस तरीके से रैंप दी है। उसके बाद यहाँ पे अपना हाउस का नाम लिख सकते हैं, नेम प्लेट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जिस तरीके 9 फिट का गेट दिख जाता है, गेट से आप एंट्री लेंगे। एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कार पार्किंग दिख जाती है, दिख सकते हैं आप। कुछ इस तरीके से पार्किंग एरिया दिख जाता है आपको। इस पार्किंग का मैंने साइज दिया हुआ है 13x13। ये 13x13 की आपकी पार्किंग दी गई है। दीवार को हटा के मैं सारे साइज बता रहा हूँ। ये 13x13 की आपकी कार पार्किंग दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री का मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जीना दिख जाता है कुछ इस तरीके से। कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से पूरा दिया हुआ है। जीना आपका 3 फिट का बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है। ये आपका पैर रखने वाला 9 इंच का, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। जीने के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है। जीने के नीचे यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है लैट्रिन बाथरूम के पर्पज से। ये 6x5 के स्पेस में करीबन मिल जाता है आपको, काफ़ी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। आराम से डाइनिंग टेबल भी डाल सकते हैं। इस हॉल का मैंने साइज दिया हुआ है 7x12। ये 7x12 का आपका हॉल दिया गया है, देख सकते हैं आप, 7x12 का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओपन किचन मिल जाती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। इस किचन का मैंने साइज दिया हुआ है 8x6। ये 8x6 की आपकी किचन दी गई है कुछ इस तरीके से, ओपन आपकी किचन दी है 8x6 की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है। काफ़ी बड़ा आपका रूम दिया गया है। इस रूम का मैंने साइज रखा है 11x13। ये 11x13 का आपका रूम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14x40 में आपको ग्राउंड फ्लोर में कार पार्किंग दिख जाती है। अंदर आपको 1BHK हाउस प्लान दिख जाता है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की। तो जीने से आपको ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप जीने से ऊपर आएंगे। उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने मिला था। सेम साइज का आपका जीना दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको हॉल मिल जाता है। 8x12 का आपका हॉल दिया गया है। हॉल में यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड मिल जाती है, जो कि आपकी कॉमन लैट्रिन बाथरूम दी गई है, जिसका मैंने साइज रखा है 5x8। ये 5x8 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड दी गई है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है और वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा रूम दिख जाता है कुछ इस तरीके से। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 11x13। ये 11x13 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं आप, 11x13 का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको रोड साइड से रूम दिख जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बालकनी आने जाने कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट दिया, वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई गई है। ये छज्जा आपका 3 फिट का निकला है, आप अपने हिसाब छज्जा निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छज्जे पे यहाँ पे आपको जिस तरीके से इंटीग्रेट मिलता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाती है, जिसका मैंने साइज दिया हुआ है 4x5। 4x5 की आपकी टॉयलेट दी गई है। अगर आप लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड बनाना चाहते हैं, 4x5 में लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड भी बना सकते हैं। इस रूम का मैंने साइज दिया हुआ है 11x13। ये 11x13 का आपका रूम दिया गया है। इस बालकनी का मैंने साइज रखा हुआ है 5x9। ये 5x9 की यहाँ पे आपको सेपरेट बालकनी उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर आपको कुछ इस तरीके दो रूम सेट दिख जाते हैं, देख सकते हैं आप। ऊपर आपके 2 रूम दिए गए हैं। कंप्लीट अटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं 14 फिट में काफ़ी बेस्ट एलिवेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। कार पार्किंग के साथ में 3 बेडरूम हाउस प्लान कम्प्लीट बना हुआ है आपका, पूरा सेपरेट प्लान दिया है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया। पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद।